जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। सीबीटी वन का एग्ज़ाम का जो सीबीटी वन का एग्ज़ाम हुआ था वो 30 शिफ्ट में हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लिए हैं। आज से स्टार्ट करेंगे सीबीटी टू का सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम, ठीक है, जो सीबीटी वन पास करके सीबीटी टू में जाता है। तो आज से देखेंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी टू के क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में किसकी कहानियां को दर्शाती है। तो ये किसकी कहानी को दर्शाती है, ये दर्शाती है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कौन? बौद्ध धर्म में भी दो भागों में बौद्ध धर्म बट गए थे, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान, तो ये महायान का ही से संबंधित है अजंता में जो बौद्ध पेंटिंग है। एक अगर गुफा नंबर 17 का देखा जाए, गुफा नंबर 17, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में सारे चीज़ का वर्णन है। जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, ये सारे चीज़ का वो चित्रित किया हुआ वर्णन है, दीवार में खुदाई हुआ वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा साइज छोटा है, इसे देखने में जूम कर लेते हैं। कोई वस्तु अपने विराम अवस्था x मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के पास 1.6 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। x टू द 12.8 मीटर से लेकर x यानी कि 20 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगा? क्या पूछा है इसका? औसत वेग क्या होगा? तो देखेंगे, सवाल को समझेंगे पहले बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कोई वस्तु विराम अवस्था में, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे था विराम अवस्था में, ये एक्स का वैल्यू हो गया 0। कह रहा है कि चलना शुरू करता है एक कांस्टेंट स्पीड से, और कहाँ तक पहुँचता है? मिडिल कहीं पहुँचता है जो कि 12.8 मीटर है। इसको मान लेते हैं क्या एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट स्टेज कितना चलता है? 20 मीटर। लास्ट स्टेज कहाँ पहुँचता है? एक्स टू 20 मीटर में, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ से ये वाली दूरी के बारे में पूछ रहा है कि स्पीड जबकि कांस्टेंट है कितना, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब प्रारंभिक वेग 0 है तो यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कुछ चल ही ना रहा है तो टी का मान भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। लेकिन ए का मान तो दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकेंड। ए क्या है यहाँ पर? एक्सलरेशन है, जिसका मान दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे दूरी कि कितना दूरी तय किया था, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं तय किया गया दूरी, थोड़ा सा दिक्कत है, तय किया गया दूरी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिजिक्स में फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, फार्मूला याद रखना ही होगा। न्यूमेरिकल टाइप का सवाल पूछता है तो वहाँ फार्मूला यूज होगा, हाफ यू टी प्लस स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे टी का कि कितना सेकेंड यहाँ पर लगा होगा। तो ये जो दूरी तय किया होगा, ये वाला जो दूरी तय किया होगा, तो इसमें समय निकाल लेते हैं, ठीक है। दूरी तो तय किया होगा, तो दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है? 12.8 मीटर। इसे दूरी तय करने में क्या लगा था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू का मान तो 0, टी भी 0 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? हाफ टी, ए का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू टी, टी का वैल्यू पता नहीं है, टी स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से क्या है 12.8, इसको अगर कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी कि 8 बार में कटेगा। तो यहाँ से फिर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 सेकेंड। अब ए वाली दूरी तय की है, अब अगला दूरी तय करेंगे। 12.8 मीटर से 20 मीटर के बीच की जो दूरी था वो वाला दूरी अब तय करेंगे, ठीक है, तो वो वाला दूरी तय करेंगे। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, या यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, प्रारंभिक वेग 0 था। ए का वैल्यू कितना है, 1.6। टी का वैल्यू अभी जस्ट निकाल रहे हैं, कितना, 4 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 16×64, यानी 6.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना निकल गया, 6.84 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी निकल गया। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरा जो कि 12.8 से 20 मीटर के बीच चलेगा। तो अब आगे देखते हैं ए वाला दूरी के लिए, ये 0 से तो यहाँ आया था 12.8 मीटर, अब 12.8 से अब कितना, 20 मीटर के बीच जो चलेगा। तो ये दूरी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो दूरी x2 मान लेते हैं, दूरी क्या मान लेते हैं, x2। इसका मान दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा, क्या होगा, ut + ½ at², ठीक है, ut ½ at², यहाँ भी ut का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 × a का मान कितना है, 1.6। सवाल में दिया हुआ है t का मान हमें निकालना है, इधर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब यहाँ से कटा देंगे, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग कटा देंगे। तो एक एक कितने बार में कटेगा, अगर इसको कटाएंगे तो ये इसको गुना कर देते हैं, ये 2 है तो 2 आके यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना हो गया, 40/ कितना हो जाएगा, 1.6। 1.6 अगर 0.5 हटाएंगे तो ऊपर 1 0, ठीक है। अब इसको अगर कटाते हैं 2 से, ये 8 से कटाएंगे तो 8 × 16, आई 5 × 50 40, 1 0 50, और 2 से कटेगा 25 बार में, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 25। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। टी का वैल्यू क्या निकल गया, 5 सेकेंड। अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी बराबर क्या होता है, u + at, ठीक है। अब v2, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। t का वैल्यू कितना है, यानी कि a का वैल्यू कितना है, 1.6, और t का वैल्यू कितना निकल के आया, 4.5। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, इस यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग पूछा है, औसत वेग, एवरेज वेग। एवरेज वेग कैसे निकालते हैं, v1 + v2/2। v1 कितना निकल के आया था, 6.4, और v2 कितना निकल के आया है, 8/2, 8×6 = 14.2 कितना आ जाएगा, 2, इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा, 7.2। फिजिक्स का सवाल था, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसे याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, ये अपने लाभांश के रूप में 80 रुपये मिले, जबकि कुल लाभ कितना था, 280 रुपये। ए और बी के बीच लाभ के वितरण का अनुपात था, तो एक्स का क्या मान था। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, ए को कितना मिला, 80 रुपये, तो बी को कितना मिला होगा,
240 टोटल था तो इसको मिला होगा 160। तो पूछ रहा है दोनों का लाभ का रेशियो क्या होगा, ये एक बार में कटा ये दो बार में, 2:1। तो क्या कर रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण एक से कम है तो यह तैरने लगेगा, किसमें, पानी में तैरने लगेगा, किसमें तैरने लगेगा, पानी में। किसी का अगर विशिष्ट कितना है एक से कम है तो वो पानी में तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में वह चित्र चुने जो अन्य चित्र से भिन्न है। यहाँ पे चार चित्र दिया हुआ है, चार में से एक भिन्न है चुनना है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, टोटल नौ हो गया। इसमें चार दो छः, एक सात दो नौ, इसमें भी कितना है नौ। इसमें दो तीन चार पाँच छः, छः चार दस, इसमें कितना है दस। इसमें तीन तीन छः, तीन तिया नौ, इसमें भी नौ। तो देख रहे हैं कि इसमें भी नौ, इसमें भी नौ, इसमें भी नौ, एक में दस है। तो यह डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर तीन क्या है, डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, 8, 5, 7, 9, 11, 6 और 10 का माध्य क्या होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये चैप्टर देख के जाएगा, मोड मीडियन मोड, ठीक है, यहाँ से सवाल आता है। तो इसको क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। कितना हो गया, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 9, 29, 29, 11 हो गया, 40, 40, 6, 46, 10, 56। कितना हो गया, 56। और टोटल संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। इसका माध्य क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आपको एक प्रश्न और दो वक्तव्य दिए गए हैं, पता कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा वक्तव्य आवश्यक पर्याप्त है। प्रश्न, स्टोर द्वारा शॉप पर प्रदान की जा रही छूट कितनी थी, छूट कितनी थी ये पूछ रहा था। कह रहा है कर्तव्य, स्टोर तीन की खरीद पर एक साबुन की मुफ्त में दे रहा है, तीन खरीदने पर एक मुफ्त, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 25%। 36 रुपये के साबुन पर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है, इसमें भी 36 रुपये में 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि दोनों में डिस्काउंट दिया जा रहा है, या तो एक या तो दो, दोनों में से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई जिसमें पद छूटा हुआ है, श्रेणी का पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प को उचित विकल्प चुनिए। तो देख रहे हैं कि 1.714, 1.8, यानी कि 0.14 का गैपिंग चल रहा है, 0.14 का, तो कितना हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.56। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसी का गैपिंग चल रहा है, पूरे उसी का गैपिंग चल रहा है, कितना, 0.14 का गैपिंग चल रहा है। अगला क्वेश्चन, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है, निम्न गुणांक यानी कि कम गुणांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अगर आयरन की बात करें तो इसके विशिष्ट गुणांक जो नियतांक होता है वो 35×10⁶ सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 35×10⁶ होता है। अगर पीतल की बात करें तो इसका 56×10⁶ सेंटीग्रेड होता है। अगर पारा की बात करें तो इसका 180×10⁶ सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे कम किसका है, आयरन का है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, या इसमें से उपलब्ध शायद नहीं होगा, देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, हाँ है, सबसे ज़्यादा होता है तो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 75×10⁶ होता है। तो यहाँ पे इस आधार पे किसका हो जाएगा, आयरन का सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी के मूल भारतीय राज्य में है, कुचिपुड़ी मूल किस भारतीय राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का ये क्या है,
लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें लोक नृत्य का, तो क्या है? धमान है, छपेली है, माहाथू है, नाटी है, ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा, युद्ध, ये सब वहाँ की लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, एक केरल का लोक नृत्य है। लोक नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोणीय माप में एक रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? क्या कह रहा है कि कोणीय माप में एक रेडियन का माप कितना होता है? तो देखते हैं, पाई रेडियन इसको कितना डिग्री लिखते हैं? 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। 180 बटे पाई हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू बैठा देंगे, 180 पाई का मान कितना? 22 बटे 7। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 17 8 126 में एक जीरो बटे 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.27। कुछ नहीं था, एक रेडियन का वैल्यू निकालना था, कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में एक नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी सी कितने दिनों में? 20 दिन में कर सकता है। और ए सी इस काम को कितना दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या कर रहा है? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? बी प्लस सी 20 दिन में। ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में। ठीक है, तो इसी का क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। कितना आ जाएगा लघुत्तम? 60 हो जाएगा। ये कितना बार में? 4 बार में। ये कितना बार? 3 बार। और ये कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 6 13। कितना हो गया? 13 यूनिट काम होगा। लेकिन 13 यूनिट जो काम होगा तो उसमें सबका दो दो बार का हिस्सेदारी है, ए बी ए सी होगा, ए सी। ठीक है, तो ये दो बार, बी दो बार, सी दो बार। तो इसको क्या करेंगे? काम को दो से, यानी जितना यूनिट आया इसको दो से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के दो से भाग दे देंगे। कितना हो गया? 13 बटे 2 कार्य। तो टोटल काम कितना करना था? 60। तो 60 बटे 13 बटे 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? 120 हो गया, 120 बटे 13। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 9.23 दिन। तो इसमें कुछ नहीं था, जो डबल डबल बार आया तो सबको क्या कर दिए? आधा कर दिए। अगला क्वेश्चन, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक होता है तो हम अपने तो सुरक्षा किसका करते हैं, करना चाहिए? श्रवण, कान का, सिर का, आँख का, पैर का। जो कान को डिस्टर्ब करेगा तो कान को ही सुरक्षा करेंगे, कान को दाबेंगे अपने हाथों से या कुछ इस तरह का करेंगे। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। 4 मिनट के लिए ए और बी को चला दिया जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंकी को पूरा भरने में बी से कितना समय लगेगा? कह रहा है कि ए बी टैंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर देता है, जबकि ए बी को चालू करके 4 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि बी को बाकी काम करने में कितना समय लगेगा। तो ए कितना देर में भरता है? 12, बी 16,
तो इसका क्या ले लेंगे लघुत्तम, कितना हो जाएगा बढ़ चुके 48, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि एक मिनट में कितना भरेगा 7, एक मिनट में कितना भरेगा 60, और दोनों मिलकर कितना मिनट चलता है 4 मिनट चलता है, तो 4 से गुना इधर भी, 4 से गुना इधर भी, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम कर दिया 28 लीटर भर दिया, 28 लीटर क्या कर दिया भर दिया, 48 में से 28 लीटर भर दिया, तो अब बचा कितना है 20 लीटर, अब 20 लीटर भरेगा कौन, बी भरेगा, बी का क्षमता कितना है एक घंटा में 3, तो 20/3 मिनट हो जाएगा, 20/3 मिनट ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन जूम करके उसके बाद बनाएंगे। दो प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम के श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है, इस संयोजकता संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी जोड़ा हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है, दो प्रतिरोध ओम है, ठीक है, एक है 2 ओम का और दूसरा है 6 ओम का, ये मान लिया R1, ये मान लिया R2, ठीक है। कहा क्या रहा है सवाल में कि दोनों सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में मतलब कि R बराबर हो जाएगा R1 + R2, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8, टोटल कितना हो गया 8 ओम हो गया। यहाँ पे कितना धारा लगा हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो अब कह रहा है कि 6 यानी कि ये वाला जो है, तो एक बात नोट करके लिख लीजिए, जब भी सीरीज में अगर जोड़ा रहेगा तो प्रतिरोध दोनों का जो धारा है दोनों में समान बहेगा, ये नहीं कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा करंट बहेगा, कम करंट बहेगा, जिसका कम है तो उसमें, दोनों में क्या होगा सेम एम्पियर फॉलो होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है V/R, आई बराबर क्या होता है V/R, आई यहाँ पे क्या है करंट, वी क्या है यहाँ पे वोल्ट, आर क्या है यहाँ पे रेसिस्टेंट, तो इसी का मान बैठा देंगे तो आई का मान निकल जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बी का मान कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट 12, आर कितना निकल के आया 8, आर कितना निकल के आया 8, इसी को कटा देंगे, कितना बार में कटा 2 बार में 3 बार में, ये कटा 2 बार में, 3/2 का वैल्यू कितना होता है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। अगर 2 ओम से भी पूछता तो कितना धारा प्रवाहित होता 1.5 ओम ही, दोनों से सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में जोड़ा हुआ है। राइट के आंसर कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर धारा। जूम करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री की जाती है, टुकड़े पर कितनी ऊष्मा हस्तांतरित की गई थी, यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450 जूल पर केजी पर केल्विन है तो। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा साइज फॉन्ट छोटा है तो मैनेज कीजिएगा। लोहे का टुकड़े का भार दिया हुआ है, लोहे का टुकड़े का भार कितना है 200 ग्राम है, तो इसको क्या चीज़ में केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 × 10⁻³ केजी, कितना हो जाएगा 10⁻³ केजी, ठीक है। अब तापांतर क्या हो रहा है कि 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो रहा है 60 डिग्री, तापांतर को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसे डेल्टा का मतलब ही होता है तापांतर, यानी कि 10 से बढ़ के 20 हो गया तो वही तापांतर का मतलब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 60 माइनस
60 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापांतर यहाँ पे कितना हो गया 30 सेंटीग्रेड। अब क्या कहे, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, लोहे के विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। लोहे का विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया हुआ है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं तो एस से। विशिष्ट ऊष्मा को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं एस से। तो विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है 450 जूल पर केजी पर केल्विन, पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तब ऊष्मा का फार्मूला लगा देंगे। ऊष्मा का हस्तांतरण जब होता है क्यू तो उसका फार्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। एम का मान कितना है, एम का मान है 200 गुना 10 पर पावर माइनस 3। ये भार, एम यहाँ पे क्या है भार। एस क्या है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, कितना है 450। और 450 डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 30। डेल्टा टी कितना दिया है 30। ये सब को बस क्या करना था आपस में गुना कर देना था। जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 जूल, कितना आ जाएगा 2700 जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो मेन क्वेश्चन यहाँ था कि एम एस डेल्टा टी, एस यहाँ पे सफिशियंट हीट है, लेटेंट हीट है, एम यहाँ पे क्या है उसका मास, और डेल्टा टी पे यहाँ पे क्या है तापांतर जो ताप में चेंज हुआ। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरफ संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या कर रहा है, माइनस 9 बटे 11 कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें 11 बटे 9 में। तो दो चीज़ हो रहा है, एक तो यहाँ से माइनस कन्वर्ट हो रहा है, एक यहाँ से माइनस गायब हो रहा है, और दूसरा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो सेम प्रोसेस हम भी लगा देंगे। 13 बटे 2 का पूछ रहा है तो 13 बटे 2 2 चला जाएगा कहाँ ऊपर, लेकिन 2 में यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा माइनस बटे 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही है। अगला क्वेश्चन, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप से एसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है अक्रॉस कॉर्नर, अक्रॉस कॉर्नर। इंजीनियरिंग के मामले में कुछ शब्द हैं देख लीजिए, जैसे ए एफ कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं अक्रॉस फॉल्ट। क्या कहते हैं अक्रॉस फॉल्ट। कहीं पे ए क्यू एल लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। कहीं पे ए आर लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे ए डबल एस वाई या ए एस वाई लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं असेंबल, इसको क्या कहते हैं असेंबल। कहीं पे सी टू सी लिखा हुआ है या सी टू इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ अपना ही कोडिंग होता है। क्या कर रहा है, कोई पिन विराम में चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो किसका, शुरू किए गए समय का स्क्वायर हो, शुरू किए गए समय टाइम स्क्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। तो करना क्या है, इसको सबको तोड़ देना है। 25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना है तो गुना दे दिए। 30 को तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे 5 2 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 10 दिया 30। फिर 6 है तो 6 को किस तरह तोड़ेंगे 2 इस टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डबल का है उसे बाहर कर देंगे। तो 2 5 का 1 5 बाहर, 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ, ये भी बाहर। 1 2 यहाँ है,
दूसरा दो यहाँ है, तो एक दो क्या हो जाएगा बाहर, एक तीन यहाँ पे, एक तीन यहाँ पे, तो ये तीन बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50 दिया 150, कितना हो जाएगा 150, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर डी। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।